तो उसे प्रसाद जैसे पवित्र शब्द का उपयोग कहां कर रहे हैं? ये एक मानसिकता है, जहां हमारी आस्था जुड़ती है उसको ये बदनाम करते हैं। ये कमलनाथ जी थे, इनने महान भारत को बदनाम भारत कहा था। ये कमलनाथ जी थे जिन्होंने इंडियन कोरोना वेरिएंट कहा था, और अब ये प्रसाद को कह रहे हैं कि प्रसाद बांट रहे हैं कोरोना का। ये निंदाजनक बात है, आस्थाओं पर चोट नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस की आदत हो गई है कि इस तरह से हमारे प्रतीकों पर, आस्थाओं पर, जो आस्था के प्रतीक हैं, उन पर चोट पहुंचाने की। और उनके गुरु चचा जान वैक्सीन पे शुरू से ही सवाल उठा रहे थे, और अब तो बच्चों की लगने लगी, कहां छुपे हो, आओ वैक्सीन लगवाओ, सबको प्रेरित करो वैक्सीन लगवाने के लिए, हम लोग भी सबको लगवा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 308 प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर जाने वाले 57 लोग हैं। अब हमारे एक्टिव केस 1029 संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.53 है, रिकवरी दर हमारी 98.6% है। कल संपूर्ण प्रदेश में 57,843 सैंपल लिए गए हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे कोरोना अपने पर फैला रहा है। अब ग्वालियर में भी कल 22, शिवपुरी में 6 और दतिया में 5 आए। पूरे प्रदेश में इसकी व्यापकता हो रही है। इंदौर में तो डेल्टा के और ओमिक्रॉन के 50-50 मतलब 50-50% आ रहे हैं, जो कल 47 के लगभग आए होंगे उसमें से आधे आधे निकल रहे हैं। ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा है, और इसलिए घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, पर सावधानियों की ज्यादा आवश्यकता है। सरकार ने दवा की, बिस्तर की, आईसीयू की, वेंटिलेटर की, पलंग की, दवाइयों की संपूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी सख्ती की आवश्यकता है, चिंता की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। हम आज पुलिस को कहने वाले हैं प्रदेश के अंदर कि मास्क जो लोग न लगाए हों उनको एहतियात बरतने का तत्काल वो कहें, जुर्माना जो कोरोना गाइडलाइन का पालन न करे उनसे जुर्माना वसूली करने का, और जितनी कोरोना की सावधानियां हैं वो सारी की सारी सावधानियों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।